ज़फ़र अब्बास कराची शहर में मोटरसाइकिल पे घूमने वाला एक आम सा आदमी है। सही है। ज़फ़र अब्बास वो आदमी है कि अगर नौकरी नहीं हो तो उसी तरह परेशान है कि जैसे एक MBA किया हुआ लड़का या एक ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का जिल्लत उठाता है इस शहर में, कभी मकान का किराया दे रहा है तो कभी बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, बिजली का बिल दे रहा तो बच्चे का दूध नहीं खरीद पा रहा। तो ये सारी परेशानियाँ ज़फ़र अब्बास भी देख रहा है वैसे ही जैसे एक आम शहरी देख रहा है। ज़फ़र अब्बास के सफ़र की शुरुआत तो एक CD70 मोटरसाइकिल से हुई, लेकिन JDC का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? December 28, 2009 आशूरा के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। कराची जल रहा था और लोग अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे। जख्मी चिल्ला रहे थे और हुकूमत अपनी कोताहियां छुपाने में मसरूफ थी। उसने जुलूस के अगले हिस्से से काफी दूर ये अपने जो सुसाइड बमिंग की है, आज की तावील क्या करेंगे, डाल देंगे किसी सुसाइड पे, और एक पे डालने लगे थे। खुदा का शुक्र है कि उसको पहचानने वाले पहुंच गए। जितने भी अवेलेबल इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो हमें सुसाइडर नहीं लग रहे। फायर ब्रिगेड 2 घंटे के बाद आई है, 2 घंटे हम लोगों का कोई पुरसे का हाल नहीं, हम टैक्स देते हैं वो, हम कुछ नहीं है, हमारा पुरसे हाल कोई नहीं है। JDC फाउंडेशन का इदारा अपने वजूद में आया। हुकूमत ने हमेशा की तरह वादे और ऐलान तो बहुत किए, लेकिन काम सिर्फ JDC फाउंडेशन ने किया। पिशावर इमाम बारगा ब्लास्ट, पिशावर चर्च ब्लास्ट, जोसेफ कॉलोनी इंसिडेंट और फिर अब्बास टाउन ब्लास्ट। घर तबाह हो गए, घरों का सामान जल रहा था, जख्मी रोड पर पड़े थे, चारों तरफ लाशें बिखरी थी, हर तरफ बर्बादी के मनाजिर थे। एक माँ तो उस वक्त करा रहा था कि अगर वो अपने बच्चे की मैयत देख लेती है ना, उसको करा रहा था, मेरा बच्चा चला गया। लेकिन एक माँ ऐसी है, उसे अपने बेटे की ना लाश मिल रही, ना कोई खैर खबर मिल रही। लेकिन ना कोई फायर ब्रिगेड, ना ही कोई एम्बुलेंस। कराची की तमाम पुलिस तो एक खास पॉलिटिशियन की शादी पर तैनात थी। धमाके की जगह पर दूर दूर तक पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोई सूरत देखने में नहीं आ रही है। लेकिन शर्मिला फारूकी की एंगेजमेंट के हवाले से जो एक तकरीब है, वहाँ 50 से जायद पुलिस मोबाइले, आला पुलिस ऑफिसर, यही वजह थी फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज, पुलिस और CM सिंध तो वहाँ पर वक्त पर ना पहुँच पाए। लेकिन JDC की टीम ना सिर्फ वहाँ पे वक्त पर पहुँची, बल्कि घरों की तामीर, जख्मियों का इलाज, रोजमर्रा की जरूरी अशिया समेत हर उन मामलात में अब्बास टाउन के लोगों का साथ दिया जहाँ हुकूमत ने उनको नजरअंदाज किया। हुए फलाही इदारे JDC ने मुतासरीन को करीबी इलाकों में आबादकारी के लिए और मुतासरीन को अपनी मर्जी के मुताबिक रिहायश अख्तियार करने का अख्तियार दिया और उनका साल भर का किराया खुद भरने का फैसला किया। जो फ्लैट पसंद आ रहा है ये जाए वहाँ फ्लैट पसंद करें, हम उसको एडवांस देंगे। अगर फ्लैट बड़ा है तो साल भर का, अगर फ्लैट छोटा तो 1.5 साल तक का भी किराया हम देंगे उसका। JDC की रेस्क्यू टीम हर जगह अपना फर्ज अदा करती नजर आई। लोगों के मुफ्त इलाज के साथ साथ बच्चों के तालीम के अखराजात, बेटियों की शादी, औलाद से टुकराए बेबस और लाचार वालदेन के लिए बेहतरीन रिहाइशगाह, नौजवानों के लिए IT ट्रेनिंग्स, JDC एम्बुलेंस सर्विस, JDC फ्यूनरल बस सर्विस, ऐसे 84 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर JDC बेहतरीन काम कर रही है। इतने सानियात, इतने वाकयात हुए, इतनी दहशतगर्दी हुई, इंसानी आज़ा इतने शदीद बिखरे हुए होते थे और उस टीम का काम यही होता था कि उन आज़ा को समेटना और लेना और उनको जाके तफ़ीन कराना। बहुत सारे ऐसे सानियात हुए जहाँ पे यही हुआ है कि ब्लास्ट जब होता है तो उसके बाद जो हालात होते हैं वो कोई बताने के बयान नहीं कर सकता मैं, और ना मैं आपको दिखा सकता हूँ उसके कोई चीज़। लेकिन वो जो अंदर जो चीज़ है हमारे, वो जो हम महसूस कर रहे हैं, वो मैं अगर आपको बताने लगूँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानी आज़ा अपने हाथों से उठा लेते हैं, घिन नहीं आती, कराहत नहीं आती आपसे? कैसे घिन आएगी? एक बच्चा, उसकी वालदा उसको तैयार कर रही हैं कि जाओ बेटा जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ जाओ मस्जिद में, वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने शिकारपुर मस्जिद में पहुंचता है, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि एक बाप के तीनों बच्चे मर जाएं उस मस्जिद के अंदर, और बाप तीनों लाशें लेके घूम रहा हो, उन लाशों के हाथ ना हो, और अगर मुझे वो हाथ किसी के पाँव के नीचे चप्पलों में रोनता हुआ नजर आ रहा हो, मैं उठा के उसके बाप को दे दूँ, मैं कोई गलत कर रहा हूँ?
किस बात की कराइयत, मेरा बच्चा भी तो हो सकता था। परेशान नहीं होंगे, मैं जब साने सेवन में पहुंचा और लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अंदर घुसा हूँ तो अंधेरा था धमाके का, तो मेरे पाँव में कोई चीज़ लगी, मैंने झुक के देखा तो इतना बड़ा पाँव था। मेरे पेज पे आज भी वो वीडियो, मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, मैंने नवाज शरीफ साहब काश ही आपका बच्चा होता। किस चीज़ की दहशतगर्दी भुगत रहे हैं ये लोग, और पता नहीं किस किस जगह की लाशें इंसानी अज़ा मैंने जमा किए वहाँ पर, और मैंने उसके अपील की खुदा के लिए इनको इस फैमिलीज़ के हवाले करो या कोई तो ऐसे लोग लाओ जिनको मैं ये उनके हैंड ओवर करूँ यार, और अगले दिन सुबह मीडिया ने दिखाया वो सारे उठा के कचरे में फेंक दिए गए। जेडीसी फाउंडेशन में कुछ ऐसे नाम है जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन इन कुछ अरसे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूँ। सज्जाद, फसीद, तहसीन, अली रजा, मुस्तफ़ा और इन जैसे कई नाम और हैं। जब हम सब अपने घरों में सुकून की नींद ले रहे होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर खुले आसमान के नीचे मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों में कंबल और गर्म कपड़े फराहम कर रहे होते हैं। रात 2 बजे के वक्त हम जिला अस्पताल बच्चा वार्ड के बाहर हैं, लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, उनके लिए बेचारे जो सिंध से आए हुए हैं उनके तीमारदारों को गर्म कंबल। बहुत ज़्यादा दुख तब होता है जब नामी गिरामी उलमा और नामी गिरामी लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, झूठे प्रोपेगंडा करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोग जो उनको डोनेशन देते हैं कहीं हमें डोनेशन ना देने लगें। हम सिर्फ यही सोच के काम करते हैं कि जफर भाई ने हमारी तरबियत ऐसी करी है कि सिर्फ काम करने से मकसद रखना है और सिर्फ काम करना है। लोग इबादत समझ के हम पे तनकीद करते हैं और हमने बड़ा फेस किया है, और इसके अलावा पर्सनल कैपेसिटी में भी करते हैं, पर्सनल बिहाफ पे भी करते हैं, मशहूर किया हुआ है, मुख्तलिफ नाम मशहूर किए हुए हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह घबराए नहीं। लीडरशिप है हमारे पास जफर भाई की शक्ल में, और हम बाज़ दफ़ा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना प्रोपेगंडा, इतना झूठ की बुनियाद पर काम, लेकिन वो बोलते हैं लोग किस हद तक जाएंगे। और बस अफसोस इस बात का होता है कि काश ये हमारी कम्युनिटी, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब इस वक्त हमें उस वक्त सपोर्ट कर देते जिस तरह आप कर रहे हैं, तो हम इससे बड़े अस्पताल, इससे बड़े स्कूलिंग सिस्टम पाकिस्तान में मुतारिफ करा चुके होते, क्योंकि हमारे पास टीम वर्क है और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मैन पावर भी है और एम और विजन के साथ काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कराची में लाखों लोग आज भी भूखे सोते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे सियासतदानों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को एक कर दें। अगर ये लोग जो है शुतुरमुर्ग खा के एक होने के लिए तैयार है ना, हमने अब तक सिर्फ हर दूसरे दिन खिलाया, हम डेली खिलाने को तैयार हैं। जी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने चर्च में, हमारे चर्च में भी ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि हम जैसे फैमिली यहाँ पर हैं। यहाँ पर जब सिया सुन्नी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, एक मसलक दूसरे मसलक के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ईदें दो दो होती हैं हमारे मुल्क के अंदर, आपने कैसे कर लिया कि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के फादर आके लोगों को खाना बांट रहे हैं यार? वाकई बहुत मुश्किल काम था ये, कि एक मसलक की अफ्तारी का टाइम कुछ और है, दूसरे मसलक की कुछ और, एक मसलक की सहरी बंद होने का टाइम कुछ और, दूसरे की कुछ और, लेकिन हमारा जज्बा सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से ठीक है भाई, हम अफ्तारी आपके टाइम पे बंद कर रहे हैं, सहरी आपके टाइम पे बंद कर रहे हैं, आ जाओ, राजी हो, राजी हैं, आ जाओ, हमने दस्तरखान लगा दिया। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि जहाँ तुम एक दूसरे मसलक को बर्दाश्त नहीं कर रहे, कुर्बानियों में बर्दाश्त नहीं कर रहे, ईद उल अज़हा पे, रमज़ान में बर्दाश्त नहीं कर रहे, मुहर्रम में बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी वो थूक के खिला रहा है, वो उनके लिए कुछ और कह रहे हैं, वो उनके लिए कुछ और कह रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल में हमारी कोशिश सिर्फ ये थी कि हम एक साफ़ सुथरा खाना दें उस महरूम तबके के पास जाएँ जिसको आज तक मजहबी पार्टी हो या सियासी पार्टी सब ने इस्तेमाल ही किया ना भाई, हमने किसी के मजहब और मसलक की तो यहाँ बात ही नहीं की, तुम्हारा जो मजहब है घर जाओ अपने मजहब पे, तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो, तुम अपनी मस्जिद में जाओ, तुम अपनी मस्जिद में जाओ, तुम अगर क्रिश्चियन हो अपने चर्च में जाओ, तुम हिंदू हो अपने मंदिर में, हमने तुम्हारे मजहब मसलक को नहीं छेड़ा, हम सिर्फ तुम्हें खाना दे रहे हैं, एक साथ बैठ के खा लो, एक दूसरे को बर्दाश्त कर लो बस। मैंने अपने बचपन से लेके जवानी तक मुहर्रम हो या रबीउल हो या कोई रमज़ान हो, तमाम मुसलमानों को, तमाम मसाले को एक साथ कभी नहीं देखा, अगर देखा है तो सिर्फ वो आज का रमज़ान है, आज का रमज़ान है जो जेडीसी ने तमाम मसाले को एक साथ लिया। आज महंगाई की चक्की में पिसने वाला हर एक आम आदमी जेडीसी का मेहमान है। जेडीसी फाउंडेशन रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोगों को इज्जत तो एहतराम के साथ सुबह 12 बजे से रात 9 बजे तक खाना फराहम करता है, ना सिर्फ खाना फराहम करता है बल्कि वो लोग अपने घर पर उस खाने को पार्सल करके भी ले जा सकते हैं। रमज़ान में दस्तरखान इमाम हसन अलैह सलाम में इफ्तार के 5,000 और सहरी के वक्त 12,000 लोगों को वो खाना फराहम किया जाता है जो कि एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी कभी अपने ख्वाबों में देखा करता है। आप
MNA की भी ऑफ़र आई, MPA की भी ऑफ़र आई, वो लोग आज भी मौजूद हैं सारे। लेकिन बात ये थी, अगर मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा बन जाता क्या मैं इतना खुल के काम कर सकता था? इतने मुश्किल हालात में जब आप बोल रहे हो कि ये मसलक तो थूक के खिलाता है, ये मसलक मज़ारों पे सजदे करता है, ये मसलक तालिबान बना देता है, ये मसलक जो है वो फलां चीज़ पे अमल करता है, तो सारे लोगों को मैं एक कर सकता था?